वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले राशन में डीलर हितग्राहियों के हक पर डाका डाल रहे हैं। मामला सारंगढ़ का है, जहां राशन डीलरों द्वारा ग्रामीणों के साथ जमकर लूट की जा रही है। तय मानक से कम राशन हितग्राहियों को दिया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि शासन के जरिए गुलाबी कार्ड धारियों को 35 किलो चावल और नीला कार्ड धारकों को 7 किलो प्रत्येक सदस्य के साथ 2 लीटर मिट्टी का तेल और 1 किलो शक्कर रियायत दर पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं बैंगनी राशन कार्ड में निःशुल्क 10 किलो चावल अत्यंत वृद्ध एवं निशक्त लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन डीलर अपनी मनमर्जी करते नजर आ रहे हैं और इन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। के किलो चावल पर फस 35 कहाँ लान था चावल दो रुपया लेते माटी तेल दे और चावल दे शक्कर कदा मिलते तो आधा किलो आपको 1 किलो देते हैं नहीं सिंगल व्यक्ति है ना तो आधा किलो देता हूँ बाकी को 1 किलो आधा किलो को एक कार्ड में एक व्यक्ति है ना उसको वैसा है प्रावधान अब काहे कि वो लोग उसको हम मेंटेन करने के लिए देते हैं। इसमें प्रत्येक राशन कार्ड में नीला गुलाबी में शक्कर 1 किलोग्राम दिया जाता है, नमक 1 किलोग्राम और गुलाबी कार्ड में चावल 35 किलोग्राम, नीला कार्ड में प्रत्येक यूनिट 7 किलोग्राम। अच्छा सर, ये जब जो संचालक समूह है उनके द्वारा हितग्राहियों को आधे किलो यानी 500 ग्राम कल कम शक्कर दिया जा रहा है, इस विषय पर क्या कार्यवाही होगी आपकी विभाग की? नहीं अभी तक तो जानकारी में नहीं है, अब जाके चेक करेंगे, हम बता दिए।